भोली, शानदार सुंदर सी कहानी, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी आपके लिए। और ये भोली जो स्टोरी उसकी दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो का आपने सुना होगा जिसमें आधी स्टोरी कंप्लीट हुई थी और ये दूसरी वीडियो है जिसमें पूरी स्टोरी कंप्लीट होगी। भोली शानदार सी कहानी, खूबसूरत सी कहानी। भोली नाम आपने देखा है, उसके पिता का नाम रामलाल, गांव में एक विद्यालय खुला है, तहसीलदार साहब ने उस विद्यालय का उद्घाटन करने आए थे। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाया करता था, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल खुलता है। रामलाल गांव के एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते गांव में उदाहरण बनने के लिए तहसीलदार साहब के आग्रह पर अपनी बेटी भोली का एडमिशन वह उस विद्यालय में करवा देते हैं। भोली विद्यालय में पढ़ने जाती है, भोली बोलती नहीं, आपने देखा था उसे चेचक हो गया था। लेकिन भोली पहली बार जब विद्यालय जाती तो पहले ही दिन में शिक्षिका जब प्यार से बोलती है तो भोली ने अपना नाम बतला देती है, जो इससे पहले कभी वो अपना नाम तक बोल पाती नहीं थी। आज आप लोग आगे देखेंगे पेज नंबर 58 का। शिक्षिका जब उसे बोली थी कि भोली क्या तुम विद्यालय प्रत्येक दिन आएगी ना, तो शिक्षिका ने अपना सर हिलाई थी, हाँ 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 आएंगे मैडम, एकदम आएंगे। बोलता नो, से इट अलाउड, यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनाइट दैट सी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली ना जोर से बोलती यस, एकदम अवश्य विद्यालय आएंगे। बोलता डिंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। और इस प्रकार शिक्षिका ने भोली को वो किताब दे देते हैं कि लो भोली ये किताब को अपने घर ले जाओ। बोलता द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर। बोलता और वह किताब था वो सुंदर सुंदर पिक्चर से, फोटो से भरा हुआ था, और उसमें जो पिक्चर्स था वो डॉग का था, कैट का था, गोट का था, हॉर्स का था, पैरट का था, तोता का था, टाइगर का था, बाघ का था, एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और उसमें एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। बोलता एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और प्रत्येक पिक्चर में काले काले बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे बकरी तो लिखल था बकरी, गधा तो नीचे लिखल था गधा। बोलता इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन। शिक्षिका कहती कि भोली अगर तुम एक महीना में इस किताब को पढ़ देगी तो इसे बड़ा वाला और किताब देंगे, और फिर जब उसको पढ़ देगी तो ओकरों से बड़ा वाला तुमको किताब देंगे। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। और एक समय एक वक्त ऐसा आएगा भोली कि अपने गाँव घर अगल बगल में तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और शिक्षित लड़की रहेगी। देन नो वन विल इवर बी एबल टू एट यू, और फिर कोई भी व्यक्ति तुम पर नहीं हंसेंगे, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और इस प्रकार लोग ना जब तुम बोलेगी तो लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, मानेंगे, और तुम तनिक भी फिर हकलाएगी नहीं। अंडरस्टैंड नाउ, गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब इस प्रकार शिक्षिका ने भोली को कहती है कि जाओ भोली अपना घर, और कल सुबह एकदम प्रातः होते ही विद्यालय तुम चला आना। मिस शिक्षिका ने भोली की साहस को बढ़ा देती है कि भोली तुम बोल सकती है, भोली तुम सबसे बेसी पढ़ी लिखी हो सकती है, भोली तुम बहुत शिक्षित हो सकती है, भोली तुम पर कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे, भोली तू जब बोलेगी तो लोग तुम्हारा सुनेंगे। बोलता भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग द एंड द ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लू जम्प्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। अब इस प्रकार भोली ने शिक्षिका की इस बात को सुनी तो उसे लगा कि गांव में जितने मंदिर हैं सब में घंटा बजने लगे हैं, जितने बाग बगिया हैं उसमें जितने फूल लगे हुए हैं सब चहकने लगे, महकने लगे, सब खिल चुके हैं। बोलता है वाज विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब इस प्रकार भोली ने बहुत नया आशा और विश्वास रोमांच के साथ वह भर जाती है। दस द ईयर पास्ट, और इस प्रकार से वर्ष गुजरते चले गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव था वो एक छोटा शहर बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और छोटा जो प्राइमरी विद्यालय था वह एक हाई स्कूल बन जाता है। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन सेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब इस प्रकार से एक टीन का सेट होता है, सेट होता है, छज्जा होता है, उसके नीचे सिनेमा हॉल चल रहा था और चीनी मिल गांव में लग चुका था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। अब इस प्रकार से जो गाड़ियां थी ट्रेन ना, वो उसके गांव में अब ठहरने लगे थे, रुकने लगे थे। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, और एक दिन रात को संध्या भोजन करने के बाद रामलाल जो उसका पिता था वह अपनी बेटी को, अपने पत्नी को बोलता है, बोलता देन सेल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल, क्या हम लोगों को दिसंबर जो लड़का है दूल्हा है उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए भोली के शादी के लिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। तो भोली की जो
माँ थी ना रामलाल की पत्नी थी, वह कहती है यस क्यों नहीं, अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अब इस प्रकार से उसकी जो माँ है वह कहती है कि हाँ भोली तो बड़ी खुदकिस्मत वाली होगी, इतना सुंदर इतना शानदार ना उसको दूल्हा मिलेगा। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक बहुत बड़ा उसका दुकान है, उसका बहुत बड़ा एक अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और उसकी माँ कहती कि हम सुने भी हैं कि कई हजार पैसे उसके बैंक में भी जमा है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ी बात है कि वह कोई डॉरी भी नहीं मांग रहा है, वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। अब इस प्रकार से रामलाल कहता पता उसका कितना उम्र है, वो मेरे उम्र का है, और उसकी जो पहली पत्नी थी ना उसके बच्चे ना बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और वह ना अगला शादी करना चाह रहा है। बोलता सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। इस प्रकार से उसकी पत्नी कहती है तो क्या हो गया, क्या उसका उम्र होगा, 45 और 50, 40-50 साल होगा अधिक से अधिक का। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, पुरुष के लिए कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं होता है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो व्हाट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और सबसे बड़ी बात है कि वह दूसरे गांव का रहने वाला है विशंबरनाथ, उसको नहीं पता होगा भोली के बारे में कि इसके चेहरे में चेचक के दाग हैं, और यह न बुद्धि से कमजोर है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और उसकी माँ कहती है यदि हम लोग इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करते हैं तो भोली ने सारा जीवन न कंवारी के कंवारी ही रह जाएगी, इसलिए हम लोगों को विशंबरनाथ के प्रस्ताव को प्रपोजल को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। बोलता है यस बट वांडर आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से। रामलाल बोलता है ठीक है लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम्ब काउ। उसकी माँ कहती का भोली कहेगी, अरे वह तो गुंगी गाय के जैसी सीधी सादी है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, और इस प्रकार रामलाल ने बोला चलो ठीक है। बोलता इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री आट भोली ले अवेक ऑन हर कोर्ट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और दूसरे कमरे में भोली थी ना वो एक चरपाई पर बैठी हुई थी और अपने माता पिता के कन्वर्सेशन इस बात को ना वह सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ ना एक बहुत ही चित परिचित नामी गिरामी ग्रोसर था, मतलब कि किराने दुकान का व्यवसायी था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. और वह शादी के लिए सगाई के लिए बहुत बड़ा बारात लेकर के आता है। बोलता है brass band playing a popular tune from an Indian film heeded the procession. अब इस प्रकार से है ना एक brass band जो बहुत सारा बैंड बाजा सेट वाला पार्टी जो होता है, शानदार सा एक बहुत ही फेमस परिचित हिंदी सिनेमा का गाना को वह बजा रहा था। With the bridegroom riding a decorated horse. अब इस प्रकार से बहुत सुंदर सजा हुआ घोड़ा था, इस घोड़ा पर वह दूल्हा विशंबरनाथ बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और रामलाल ने बहुत खुश था इतनी सुंदर बारात को देख करके। बोलता ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डाउटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, क्योंकि रामलाल को इस बात की आशा नहीं थी कि उसकी चौथी जो बेटी सबसे छोटी भोली है उसकी इतनी बढ़िया ब्याह होगी। बोलता इतनी बढ़िया उसकी बारात आएगी। भोलीज इल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वेयर इनविशियस ऑफ हर लक। अब भोली की जो बड़ी वाली बहनें थी वह बहुत ना भोली से नफरत कर रही थी, बहुत चिड़चिड़ा रही थी कि भोली जो सबसे कम खराब मानी जाया करती थी वह भोली की इतना बढ़िया बारात आ रहा है, इतना बड़ा घर में बाबूजी होकर शादी कर रहे हैं और हम लोग को साधारण घर में ब्याह कर दिए, साधारण बारात आया था। वेन द ऑस्पिशियस मूवमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, और जब खास मूवमेंट आता है, वक्त आता है जयमाला का, उस समय क्या होता है कि कहा जाता है कि दुल्हन को लाया जाए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। अब इस प्रकार भोली को लाल घूंघट वाली ड्रेस को पहनाया गया था और पवित्र अग्नि के सामने भोली को लाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। अब इस प्रकार विशंबरनाथ को का जो एक दोस्त था विशंबरनाथ को प्रॉम्प्ट करता है, कहता है दुल्हन को माला पहनाओ, जयमाला करो। बोलता द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब इस प्रकार दूल्हा जो विशंबरनाथ था सुंदर गेंदा का
फूल वाला माला को इस प्रकार से उठाता भोली को पहनाने के लिए। ए व्यूमन स्लिप्ड बैक द सिल्केन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस विसंबर टू का क्विक ग्लांस। अब इस प्रकार एक जो महिला जो भोली के बगल में थी, भोली के चेहरा को हल्का सा उघाड़ती है, मतलब उसके आंचल को हल्का खिसकाती है। तुरंत जो विशंबर नाथ था ना, वो भोली के चेहरे को देख लेता है। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। अब इस प्रकार से वह इतना पर जो अपना माला लेगा था ना, माला को ना वह उतना ही पर लेके रह जाता है, और वह जो महिला थी जो भोली के घूंघट को नीचे गिराई थी, सरकाई थी, वह तुरंत उसके चेहरे को ढक देती है। लेकिन विशंबर नाथ ने भोली के चेहरे को देख लिया, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं, काले काले धब्बे हैं, दाग हैं। बोलता हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। अब इस प्रकार विशंबर नाथ के बगल में जो उसका एक दोस्त था, उस दोस्त को विशंबर नाथ ने बोला, क्या तुमने देखा उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, सो व्हाट यू आर नॉट सो यंग आइदर। तो उसका बगल वाला दोस्त ने बोला, क्या हुआ, तू कौन सा युवा है, तू तो बूढ़ा है यार, तो ब्याह हो रहा है। बोलता मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। बोलता है इस प्रकार से विशंबर नाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन अब इस लड़की से हम तब शादी करेंगे जब एक बाबूजी हमको 5000 रुपया ना तिलक देगा, दहेज देगा, तब करेंगे। विशंबर नाथ ने प्रस्ताव रख दिया। बोलता रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, टेक 2000 रुपीज। इस प्रकार से रामलाल जो भोली की पिताजी थे, उन्होंने अपना पगड़ी को उतारा और 2000 पैसा लेकर के विशंबर नाथ के पैर रख दिया पैसा को, कि महाराज माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, ये तो मत जाने दीजिए, हम लोग को बेइज्जती मत कीजिए, 2000 पैसा ले लीजिए, पगड़ी हम आपके चरण में रखते हैं, ये तो बचा लीजिए, ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है। बोलता है रामलाल वेंट एंड बोलता आगे, नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डाउटर। अब इस प्रकार उसने कहा कि नहीं, 5000 एक रुपया भी कम नहीं, और नहीं तो आप अपनी बेटी को रखो, हम बारात लेकर अपना वापस जाएंगे। बोलता बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। रामलाल ने कहा, थोड़ा विचार कर लीजिए सरकार, अगर आप बारात लेकर वापस चले जाइएगा तो हम इस गाँव में चेहरा दिखलाने लायक नहीं रह जाएंगे। देन आउट विथ 5000 रुपीज। तब उस दुल्हा ने विशंबर नाथ ने बोला, ठीक है, लेकिन 5000 रुपया तब पैसा दो, हम ब्याह करेंगे। बोलता टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। बोलता ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। अब इस प्रकार से रामलाल के आंखों से आंसू बह रहा था, वह जाता है घर में तिजोरी को, बक्से को खोलता है और पैसा वहां से लाता है, 5000 पैसा मिलाता है और रामलाल के पैर में लेज करके चरण में वह 5000 पैसा दहेज के रूप में रख देता है। बोलता ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपियर्ड अ ट्रियम्पेट स्माइल। बोलता ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस। अब इस प्रकार से विशंबर का जो चेहरा था वो खिल जाता है, क्योंकि वह लालची आदमी था और वह जान गया कि हमने जो बात बोला हमारा बात रख लिया गया है, मान लिया गया है। अब उसने कहा, ठीक है, माला लाया जाए, मैं माला दुल्हन को पहनाऊंगा। बोलता वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइट फेस, बट दिस टाइम हर आईज वे आर नोट डाउन कास्ट, सी वाई लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आईज देर वाई नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड अटेम्प्ट। अब इस प्रकार से आप देखिएगा कि जब रामलाल ने माला लिया, दुल्हन को पहलाने चला, तो ही दुल्हन जो भोली थी ना, अपने आंचल को पुनः एक बार वो अपने आंचल को अपने चेहरे से उतारती है और अपने होने वाले पति जो विशंबर नाथ था उसके आंख में आंख को डाल करके वह देखती है और बात करती है। उसमें कोई नफरत नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई घृणा नहीं था, बस वह एक तर्क था, बस वह एक प्रश्न का जवाब था। बोलता है विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट विथ लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, सी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल। इस प्रकार से जो ही विशंबर ने ऐसा माला उठाया कि जो भोली लड़की थी ना, वह उसके माला को इस प्रकार से फेंक देती है, इस तरह से माला को वह ना माला को अपने हाथ से ऐसे कुछ करती है तो माला उसकी विशंबर के हाथ से निकल कर छूट करना भाग जाता है, वो दूर गिरता है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वे आर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक आउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैम्बर। अभी इस प्रकार से भोली बोलती, पिताजी
ऐसा कुछ बोलती, और जब वह बोलती पिताजी तो उसमें तनिक भी हकलाहट नहीं था, सीधा साफ सुंदर और आवाज था पिताजी। ऐसा आवाज को न तो आज तक उसके पिता ने सुना था, न उसके माता ने सुना था, और न ही कोई भोली के सगे संबंधियों ने सुना था। उन लोगों ने मात्र यही जानता था कि भोली बस हकलाती है और यह स्कूल पढ़ने जाती है। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। अब इस प्रकार से भोली है वह कहती पिताजी आप अपना पैसा ले लीजिए और हम इस लालची व्यक्ति सब शादी करने वाले नहीं हैं। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो सेमलेस सो अगली एंड सो सेमलेस। अब इस प्रकार जो वहाँ अतिथि लोग थे, रामलाल का तो हक्का बक्का बंद हो जाता है, रामलाल कुछ बोल नहीं पाता है। वहाँ जो अतिथि लोग थे वह बोलते हैं कितनी शर्मिंदगी वाली लड़की है, कितनी बेइज्जती कर रही है अपनी बात को, एकदम लड़की तनिक भी बात का बाप का अपने पिता का भी है ना इज्जत मर्यादा का ख्याल नहीं कर रही है। भोली आर यू क्रेजी, सटेड रामलाल। अब इस प्रकार से भोली के पिता ने बोला अरे भोली ऐसे तुम क्यों कर रही है, मूर्ख बन गई, बेवकूफ बन गई। बोलता आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पटिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। अब बोलता इस प्रकार से भोली कहती यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। मिस भोली के पिता ने भोली को बोला अरे भोली कम से कम हमारा इज्जत अपने परिवार की इज्जत का भी तो ख्याल करो। लेकिन भोली कहती फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, भोली ने कही पिताजी आपके इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी करने जा रही थी, मैं तनिक भी विरोध नहीं कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन ग्रीडी एंड कंटेम्पटिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। भोली कहती लेकिन अब इस प्रकार के दुष्ट, इस प्रकार के लालची घृणास्पद आदमी से मैं अपना शादी नहीं करने वाली, इसे मैं पत्नी पति के रूप में स्वीकार करने वाली नहीं हूं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भोली बोलती है व्हाट अ सेमलेस गर्ल वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्नेस डमकाउ। अब इस प्रकार से क्या लड़की है जिसको कोई शर्म लज्जा है या नहीं है, हम लोग तो समझ रहे थे गूंगी गाय है, इतना यह बोलती है हम लोग को तो पता नहीं था। विद्यार्थीगण दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का महत्व, यदि आप पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति बनेंगे तो आप भाई साहब हजारों को छक्का के लिए छुड़ा दीजिएगा। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमन, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थाउट आई वॉज ए डम ड्राइवेन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस क्रिएचर, बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फुली स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। अब इस प्रकार से एक महिला जब बोली थी कि हम लोग तो समझे थे गूंगी गाय के जैसी है, सीधी है भोली, बोलती ही नहीं है, हकलाती है भोली, उस बूढ़ी महिला की ओर मुड़ करके कहती हाँ चाची तू ठीक बोलई था, हमको तो आप लोग ऐसे ही समझते थे कि यह गूंगी गाय के जैसी सीधी साधी हम हयो हैं, लेकिन अब नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और चाची अगर और कुछ सुनना चाहते हैं तो बताइए और हम आगे कुछ बोलेंगे। विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, विशंबर नाथ जो दूल्हा था वो अपने बारात को लेकर वापस जाने लगा बिना शादी ब्याह किए हुए। द कन्फ्यूज्ड ब्रास मैन थाउट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब इस प्रकार से ब्रास बैंड पार्टी वाले लोगों ने सोचा कि अब शादी ब्याह हो गया है, सब लोग निकलने लगा है, तो उन लोगों ने विदाई वाला गाना को छेड़ दिया धुन को म्यूजिक में, और लोगों ने विदाई वाला को बजाने लगा, दुल्हन हम ले जाएंगे ऐसे कुछ बजाने लगा। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड हिज हेड बोर्ड लव विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। रामलाल इस प्रकार से खड़ा रहता है बेचारा, वहाँ से हिल डोल नहीं पाता है, और रामलाल अपना सर को जमीन की ओर नीचे झुकाए हुए था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड एंड डाउन। अब इस प्रकार से पवित्र जो आग जल रहा था वह आग अब बुझ रहा था। एवरी वन वॉज गोन, वहाँ से हरेक कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल इवर मैरी यू, व्हाट शैल वी डू विथ यू। रामलाल अब वहाँ से मुड़ता और अपनी बेटी भोली को बोलता है अरे बेटी भोली अब तो हम लोग क्या करेंगे, तुमसे कोई शादी तक भी नहीं करेगा, बताओ हम लोग क्या करेंगे। बोलता है सुलेखा सेट इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, और जो सुलेखा लड़की थी भोली वह एकदम शांत गंभीर आवाज में वह बोलती है डोंट यू वरी पिताजी, अरे मेरे पिताजी बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड, और आप जब बूढ़े हो जाइएगा तो पिताजी हम ना आपकी सेवा करेंगे, एंड मदर एंड आई विल
माता पिता आपकी दोनों की हम सेवा करेंगे। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। अब इस प्रकार से वह आगे यह भी बोलते अपनी शिक्षिका को देखते हुए, जो शिक्षिका भोली को पढ़ाई थी, शिक्षा के महत्व को समझाई थी, वह कहती है कि मैडम क्या यह सही नहीं होगा कि जब मेरे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो उनके उस वृद्धावस्था में हम उनकी सेवा करेंगे, और जिस विद्यालय से हम इस शिक्षा को प्राप्त किए हैं, इतना हम बोलने सीखे हैं, हकलाना बंद किए हैं, शिक्षा के महत्व को हमने समझा है, बताओ क्या उस स्कूल के शिक्षिका हम नहीं बन सकते, उस स्कूल में हम नहीं पढ़ाएंगे, उस विद्यालय में हम पढ़ाएंगे। बोलता है सुलेखा, द टीचर हैड ऑल एलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उसकी जो शिक्षिका थी वह कोना में आई, मतलब आई थी वही शादी में, और एक बगल कोना में वह खड़ा होकर के पूरे ड्रामा को, पूरे लीला को वह देख रही थी। वह शिक्षिका है, वॉचिंग द ड्रामा, यस भोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड। वह कहती कि हाँ भोली बेशक तुम्हारा अच्छा निर्णय है। इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। बोलता दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेशन द कंटेम्पलेशन ऑफ हर मास्टरपीस। अब इस प्रकार से वो शिक्षिका बहुत खुश थी भोली की इस बात को सुनकर के, क्योंकि एक जो पेंटर होता है जो पेंटिंग बनाता है, जब उसकी पेंटिंग की कोई बड़ाई करता तो वह बहुत संतुष्ट होता है वह पेंटर। ठीक उसी प्रकार शिक्षक जिनको शिक्षा दिया है, वह बच्चा यदि बहुत अच्छा करता, श्रेष्ठ करता है, समाज के लिए वह योग्य साबित होता है, समाज में वह परिवर्तन का एक क्या बोलते हैं कारण बनता है, समाज में बदलाव का वह एक कारण बनता है, योग्य बनता है, समाज के लोग जब उससे मदद मांगते हैं, समाज के लोगों के लिए वह अच्छा करता है, वह राष्ट्र देश के लिए अच्छा सोचने लगता है, उसका तर्क बढ़िया होता है, कार्य बढ़िया होता है, तो उसको जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन शिक्षकों को उस बच्चे पर बहुत गर्व होता है। दोस्तों यह थी आपकी स्टोरी जिसका नाम था भोली। कुल दो वीडियो, पहली वाली वीडियो में आधी स्टोरी, दूसरी वाली वीडियो में आधी स्टोरी, और स्टोरी से जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा उसका भी हम वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।